बोर्ड की, यानी तीन प्रकार से कैसे वायरिंग करते हैं इस पे अपलोड है, देख लीजिएगा। और अभी बता रहे हैं हम चौथे प्रकार का वायरिंग किस प्रकार से किया। चौथा प्रकार काफी खतरनाक है, यानी कि इन वन सॉकेट सीरीज एंड पैरेलल बोथ, एक ही सॉकेट में हम दोनों करेंगे। क्या चीज? सीरीज और पैरेलल, जो जानते हैं वो जानते हैं, जानते समझ लीजिए। सीरीज का मतलब होता है चेक करना और पैरेलल का मतलब होता है चलाना, यानी कि एक ही ये सॉकेट रहेगी, इसके द्वारा हम चेक करेंगे उपकरण की सत्यता की जांच करेंगे, यानी उपकरण सही है कि नहीं है, और साथ साथ इसी के द्वारा हम चलाएंगे भी। तो उसकी वायरिंग करनी बिल्कुल सिंपल होती है, बस करना क्या है, न्यूट्रल डालेंगे इस सॉकेट में और फेज जो होगा हम डालेंगे स्विच में। इसके बाद से करेंगे क्या, यहाँ से दे देंगे एक बल्ब होल्डर को और स्विच की तरफ से दे देंगे बल्ब होल्डर को, ठीक ना, यानी ऊपर से बल्ब होल्डर को और नीचे से भी बल्ब होल्डर को। अब चेक जब करेंगे तो क्या करेंगे, स्विच को हम ऑफ रखेंगे, ठीक ना। अब हम इसमें जब वायर लगाएंगे तो ये न्यूट्रल जो है ऐसे घूमते हुए यहाँ आएगा और न्यूट्रल यहाँ मिलेगा, न्यूट्रल यहाँ पे आएगा। जब यहाँ पर न्यूट्रल होगा तो यहाँ पे अवेलेबल है ऑलरेडी फेस, तो बल्ब क्या हो जाएगा जल जाएगा, उपकरण सही होगा। तब यदि उपकरण बाई चांस कहीं से अंदर से ब्रेक है तो सप्लाई पूरी नहीं होगी, कंटिन्यूटी पूरी नहीं होगी और बल्ब नहीं जलेगा। तो हमने चेक कर लिया, चेक करने के बाद जैसे हम उपकरण को चलाना पड़े हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। जब स्विच ऑन करेंगे तो होगा क्या, ये वाला फेस यहाँ आ ही रहा है, ये वाला फेस यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे न्यूट्रल मिलेगा, और देखिए इधर से यहाँ भी फेस और यहाँ भी फेस हो जाएगा, दोनों का फेस ये बल्ब बुझ जाएगा, लेकिन उपकरण क्या होने लगेगा, चलने लगेगा। लेकिन चेक करने के दौरान यहाँ से न्यूट्रल होकर यहाँ भी न्यूट्रल ही मिल रहा है ना, यहाँ भी न्यूट्रल आ रहा है, दोनों न्यूट्रल है, यहाँ से न्यूट्रल आकर यहाँ आ रहा है, यहाँ न्यूट्रल मिल रहा है, इसलिए बल्ब जल रहा है, ठीक ना। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके चेक करते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं इस तरीके से। बाकी ये वाला बोर्ड वही लोग बनाते हैं जो काफी जानकार हो, रिक्सी काम होता है, ऐसा बोर्ड पे बताया जाता नहीं है, तो मैं एक्चुअली बताया हूँ। लेकिन एक बात याद रखिए, कभी भी ऑन करके इसमें तार मत खोसिएगा, तो तार तुरंत शॉर्ट कर जाएगा, क्योंकि तार में तो कंटिन्यूटी होगी ना, उपकरण को जब चलाएंगे तो वो चलेगा, लेकिन तार इसमें तार मत खोज लीजिएगा, क्योंकि हम स्विच बोर्ड में बताए थे कि ऑफ करके यहाँ पे हम जब तार खोजते हैं कंटिन्यू पूरा तो बल्ब जल जाता है, तो ऑफ करके खोज सकते हैं लेकिन ऑन करें कभी भी नहीं, तो ये इसमें न्यूट्रल होगा, इसमें फेज को तुरंत क्या करेगा, शॉर्ट करेगा, ठीक ना। तो इस तरीके से ये बोर्ड बस इतना ही में खतरनाक होता है, बाकी चीज़ में सही है। तो चलिए करके देखते हैं। सर क्या बताया था, स्विच में फेज डालेंगे, तो हम इस स्विच में क्या कर रहे हैं, ये वाला जो रेड वाला हम फेज का वायर बनाए हैं इसमें फेज इनपुट कर दे रहे हैं, और ये वाला हमारा न्यूट्रल है यहाँ पर, तो इसको हम किस में इनपुट करेंगे, अपने सॉकेट में, जैसे कि हमने उसमें बता रखा है बोर्ड पे, है ना। चलिए इसको हम इसमें इनपुट कर देंगे, अब इसमें इनपुट होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये वाला जो वायर होगा ये यहाँ पर जाएगा, ठीक ना। कर रहे हैं, एक बार हम यहाँ पर इनपुट करेंगे और यहाँ से कहाँ इनपुट करेंगे, यहाँ पर, और साथ में इसमें बल्ब होल्डर का वायर जोड़ेंगे, है ना। तो वायर हम जोड़ के साथ कर देते हैं दोनों, ये वाला यहाँ पर लगेगा, इसको खोल कर और इसमें हम इंसर्ट करते हैं इसको, ये यहाँ पर चला जाए, और इसको क्या कर देंगे, टाइट कर लेंगे अच्छे से। एक बार वायरिंग देखते फटाफट, फेस हमने स्विच के जरिए हम इनपुट किया और वहीं से हमने बल्ब होल्डर को दे दिया, है ना। इसके बाद से न्यूट्रल हमने यहाँ पर इनपुट किया जैसा कि हमने बोर्ड पे किया है, और यहाँ से कहाँ दे दिए, यहाँ पर दे दिए। हम जब चेक करेंगे तो क्या रखेंगे, स्विच को ऑफ रखेंगे, जब ऑन करेंगे तो हमारा उपकरण चलने लगेगा, क्योंकि ये वाला जो फेस है इससे होकर इस यहाँ पर फेस आएगा, है ना, और न्यूट्रल तो मिल रहा है, ये चलने लगेगा। जब हम चेक करेंगे तो स्विच जब ऑफ रहेगा तो ये न्यूट्रल ये वाला वायर यहाँ से होकर इसमें जाएगा और न्यूट्रल इसको मिलेगा और फेस यहाँ से मिलेगा, बल्ब क्या होगा, जलेगा, है ना। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं, क्या दे दिया ना इसको, अब हम करते क्या, इसमें हम इसको खोसेंगे तो ये वाला न्यूट्रल यहाँ आएगा, जैसे यहाँ पे लगाएंगे इसको न्यूट्रल पूरा हुआ है ना, जल गया। अब इसमें स्विच को नहीं ऑन करेंगे तुरंत क्या कर देगा, शॉर्ट करेगा, क्योंकि इसमें जैसे ऑन करेंगे न्यूट्रल फेस दोनों आ जाएगा, तो न्यूट्रल फेस जैसे मिलता है शॉर्ट कर जाता है ना। तो यहाँ पे केवल न्यूट्रल कंटिन्यूटी पूरा हो रहा है, स्विच का काम कर रहा है, ये चेक हो रहा है। अब जो हम अब कोई उपकरण चेक करके दिखा देते हैं, लाओ पंखा वाला वायर है, इसको जो हम चेक करेंगे तो हमारा पंखा नॉर्मली चेक होगा, ऑन कर लीजिए, अभी क्या हो रहा है हमारा यहाँ पंखा चेक हो रहा है ना। अब देखिए हम इसको क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर दे रहे हैं, स्टार्ट जैसे करेंगे तो फुल इसमें चलने लगा और ये लाइट क्या हो गई, बंद। अब ऑफ करेंगे, पंखा स्लो हुआ और क्या हो रहा है, चेक हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से जादू की जैसे ये काम करता है, ऑन करेंगे बल्ब बुझेगा वो चलने लगेगा, ठीक ना। ऑफ करेंगे ये हमारा चेक होगा और क्या होगा, पंखा धीरे हो जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से स्विच बोर्ड ये वाला काम करता है, एक ही सॉकेट में ये पैरेलल हो गया, है ना, ये जस्ट देखिए सीरीज हो गया, तो एक ही सॉकेट में ऐसा हुआ ना। लेकिन बस तार के साथ ऐसा नहीं करेंगे तो शॉर्ट कर जाएगा, इसको ऑन कर सकते हैं, अभी चला सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, ठीक ना, उपकरण को। तो एक ही चीज़ में दोनों आप स्टेप लगा सकते हैं, बिल्कुल ही आसान है। तो ये हो गया आपका स्विच प्लस पैरेलल दोनों, चलिए स्विच प्लस पैरेलल वाला, ये वाला जस्ट बोर्ड के हमने टेक्निकल भी कराया और इसको बताया भी।
पर कैसे काम करता है, ठीक ना। इसमें है कि इस बोर्ड को जल्दी कोई बनवाता नहीं है, क्योंकि अगर बाई चांस कोई गलती से वायर कर देता है तो वायर जानते हैं ना वो कंटिन्यूटी तो उसमें होती नहीं, वो चलना चीज तो है नहीं, क्योंकि वो धारा लेकर धारा आउट करता है ना। तो कोई बाई चांस को चालू किया और चालू करने बाद यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, अब इसमें से न्यूट्रल आएगा और यहाँ पर रिप्लेस होगा, काम क्या होगा स्टार्ट कर देगा, है ना। तो कभी भी उपकरण को लगा के इसको चालू करेंगे तार लगाकर चालू नहीं करेंगे, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना अगर ये बोर्ड बनाते हैं आप। और वायर चेक करना तो आप करके चेक करिए और चेक करके उसको निकाल के इसको ऑन करिए, ऐसा नहीं बल्ब लगाना है तो भाई चलना रखो, जैसे फेस होल्डर मिलेगा चलना जाएगा, लेकिन तब सड़कों का कंटिन्यूटी है ना, यहाँ पर फेस मिल रहा है यहाँ पर अपने मतलब दोनों बीच में स्पार्क कर जाएगा ना, तो वही हाल यहाँ पर होगा जब आप ऑन करके ऐसा लाइसेंस करते हैं। तो ये सावधानी बरती जाती है और आपको पता होना चाहिए, ये बोर्ड मैं बताया हूँ, ये केवल मेरी पर्सनल खोज है, किसी ने ऐसा बोर्ड आपको मिलेगा नहीं कि बनाया होगा कोई या करवाया होगा इस तरीके से ना, ये मैं पर्सनल अपनी तरफ से बताया हूँ, आप इसको करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा करके ही यूज़ करता हूँ, ठीक ना। तो काफ़ी अच्छा होता है, आप इस तरीके से बना सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं तब जब आपको सीज नहीं करना हो, जब चेक कर लो तो चेक कर लो, है ना। एक बस बल्ब होल्डर खराब होता है वो केवल चेक करने के काम आता है, बल्ब आप जला सकते नहीं है, लेकिन फायदा ये होता है उसको चला भी सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं, और एक जादू जैसे लगेगा कि जैसे ही ऑन किए हमारा सिस्टम चल रहा है, जैसे ही ऑफ किए ये लाइट जो जा रही है और पड़का जा रहा है, चेक होने लग रहा है, तो कुछ जादू जैसा है इसका सिस्टम। बाकी वायरिंग अंदर का क्या है वो आपको बताना चाहिए, ठीक है। बाहर जादू रहता है, हमारे घर पे जब ऐसा होता है तो भी देखते हैं कहते हैं पता नहीं कैसे किए हो, तो वो सिस्टम होता है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं इस तरीके से।